देखिए ना, इतिहास पहला टर्म यह है, मैं आपसे यह कहता हूं क्या वर्तमान में इतिहास की प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी कि 1960 के बाद के दशक में रही? ये तो प्रश्न रहा ऑप्शनल वालों के लिए। अब आपके लिए सवाल, सवाल ये कि मानवीय सभ्यता के विकास के क्रम में आज की मानवीय पहुंच क्या है? बोले क्या सवाल है, ऐसे सवाल होते ही क्या? सवाल तो कुछ भी हो सकता है, इतिहास जब उसने लिखी दिया कि इंडियन इतिहास, फिर तो कुछ भी है। जैसे कि पिछला सवाल 2017 का, मैं फिर क्या कोट कर रहा हूं, सवाल ये कि दुनिया में मानवीय सभ्यता के विकास के फेज में भारतीय प्रायद्वीप में मानवीय सभ्यता अपने सुसभ्य समाज की श्रेणी में खड़ी थी, मूल्यांकन करिए। ये सवाल पूछा गया, मतलब वो हड़प्पा सभ्यता का हवाला देते हैं कि हम दुनिया में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जिसने अर्बनाइजेशन किया, शहरीकरण किया, ट्रेड एंड रूल को इतना रेगुलेट करके चलाया जैसे आज हम मॉडर्निज्म में कर पा रहे हैं, सड़कों का नेटवर्क, पानी की निकासी का नेटवर्क हमने इतना स्ट्रांग कर लिया, मतलब हम उस समय का हवाला देते हैं अमुक जगह। इस तरह का जो हमने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको उस जगह आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सवाल हमारा यहीं से हो गया प्राचीन भारत से, तो पहला सवाल यह कि इतिहास क्या है? तो इतिहास क्या है बेटा, सीधे सीधे सब सिर्फ समझते हैं, लिखना बाद की बात। प्लस हास से है, इत का मतलब है ऐसा ही, आका मतलब है घटित हुआ है निश्चित रूप से। सवाल सीधा कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसा होने का मतलब क्या है कि उसका प्रूफ है। इतिहास क्या होता है, जिसका प्रूफ है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ एक स्टम्प देखिए आपने कि हेरोडोट्स यूनानी हिस्टोरियन है, हेरोडोट्स इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, यह ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिका का मतलब है गवेषणा, गवेषणा का मतलब है खोज करना। तो इतिहास खोज किसकी की जाएगी, जो अतीत में था, यही ना बेटा, खोज करके जिसको हम प्रमाणित करते वो इतिहास है, सीधे शब्द, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। इतिहास किस टर्म से आया, ग्रीक शब्द से आया, सवाल पॉइंट यहां से खत्म। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, अमोक हेरोडोट्स, छोड़िए इनको, ये सब नहीं हमारे में आता। दूसरा सवाल फिर यहां से है कि इतिहास क्या है? तो इतिहास आपने क्या कहा, जो निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ है वो इतिहास है, या क्रमबद्ध अतीत की क्रमबद्ध घटनाओं का लेखा जोखा इतिहास है, आपने तो ये कहा। अब इसको वेरिफिकेशन किसे करेंगे, वेरीफाइड, वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, या तो हमारे यहाँ दो बेस चलते हैं, इतिहास को कैसे वेरीफाई करते हैं बेटा कि ये चीज़ सही है या गलत है, सही गलत के लिए हम क्या करते हैं, साक्ष्य, प्रूफ। जैसे अभी भगवान श्री राम मंदिर, राम जो श्री राम का मंदिर बना था उसमें साक्ष्य की बात आई, तो साक्ष्य के लिए वो क्या बेस तलाशा गया बेटा, पुरातत्व, तो आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, पुरातत्व का सीधा मतलब समझ लीजिए पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना, मतलब अवशेषों का अध्ययन करना, जो कुछ बचा रह गया है। कार्बन डेटिंग के बेस पर हम जिसको अमुक समय को स्टडी कर लेते तो हम पहचान लेते हाँ ये अमुक अमुक समय का है, यही तो कर पाते। तो पुरातत्व का मतलब क्या है, अवशेषों की जांच परख करना, यही तो रहा ना बेटा, सीधे शब्दों में आइए। लच्छेदार घुमाव बातें, बिल्कुल घुमावदार बातें सहज पसंद नहीं आती जीएसटम में, ये हिस्टोरियन का काम है कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए, पहले ये मुद्दे पर रहिए। पुरातत्व का मतलब क्या समझ रहे हैं बेटा, अवशेषित भाग का अध्ययन करना। दूसरा क्या है बेटा, साहित्य, और साहित्य से मेरा मतलब यह है कि कोई तो ऐसी लेखन शैली हो, व्हाट नॉनसेंस, मेरा मतलब क्या है, लेखन स्टाइल में कुछ तो उल्लेख हो। अब ये मत कहना कि सीधा हिंदी में लिखा हो, ब्राह्मी में लिखा हो, प्राकृत में, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, जो अमुक समय की लैंग्वेज रही होगी, नहीं ना बेटा। जैसे हड़प्पा सभ्यता में अपनी एक कीलाक्षर रही है, नहीं बुस्टोफेदन शैली में रही, हाँ पर बात अलग है, पढ़ा नहीं पाई,
पर लिखा तो कुछ है, जो भी टेढ़ा मेढ़ा लिखा है एबीसीडी करके, कीलाक्षक टाइप के लिखे हैं ना बेटा। और बूस्टोफेदन है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, एक तो लाइन इधर से जाएगी एक इधर से जाएगी, जैसे कि खरोष्ठी लिपि बाद में विकसित होगी। अभी सब मुद्दों को छोड़ो, मैं फिर क्या, एक लेखन हो, लेखन से पता चलता है, एक इससे पता चलता है। अच्छा, लेखन तो हम क्या कह रहे थे, साहित्य था हमारे पास, इतिहास नहीं। साहित्य में हमने कोट किया वाल्मीकि रामायण को, अपने रामचरितमानस को, जब रामन मंदिर बनाया गया। इस बात को सुनिएगा अभी। अब बात यह आ रही थी, बोले कैसे कहें इसमें किसी कवि ने कल्पना करके लिखा हो, कल्पनात्मक पात्र रखा हो, देन मतलब जो ऑब्जेक्शन ले रहे थे वो, और जिनकी आस्था का विषय है वो तो है, तो नहीं है तो उनकी आस्था तो है ही है काम, सीधी बात ना, उनसे नहीं मना नहीं कर सकते, वातिवाद हो जाएगा, माफी चाहते हैं, मेरा मतलब किसी को परेशान करने से संबंधित नहीं है। तो साहित्य, तो साहित्य से मेरा मतलब इसमें क्या देखा गया अब तक, कि इस साहित्य को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया, यही तो हुआ। कोर्ट क्या कहता है, प्रूफ चाहिए। इसीलिए अभी काशी विश्वनाथ वाला के पास में एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है बेटा, ज्ञान व्यापी, तो ये ज्ञान व्यापी इशू है, ऐसे ही मथुरा वाला शायद इशू है। अब इनके प्रमाण दो हो सकते हैं, एक तो इतिहास लेखन में बताइए कि कब आक्रमण करके अमुक जगह को घेरा गया और अमुक चीजें बनाई गई, एक, और इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य दीजिए, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में उसकी खुदाई उदाई कराइए, यही तो हो सकता है ना। तो कोर्ट कहता है कि प्रूफ करो, जैसे किसी ने कह दिया, बोले ताजमहल मेरा है, मेरे बस चुका है। कोई कहता है कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, तो इसका प्रमाण तो तभी मिलेगा जब खुदाई हो, तोड़फाड़ हो। इसीलिए पॉइंट पे फिर आते हैं, इतिहास को, इतिहास क्या है, तो आपने कहा कि अतीत की क्रमबद्ध घटनाओं का क्रमिक लेखा जोखा है। इतिहास हिस्टोरिकल टर्म से बना है, जिसका मतलब गवेषणा होता है, ग्रीक टर्म है। दूसरा पढ़ा, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास प्रूफ चाहिए, साक्ष्य। साक्ष्य हमारे पास क्या हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू हो सकता है, और हमारे पास साहित्य लेखन शैली के माध्यम से प्रूफ कर पाते हैं। प्रमाणिक तब ज़्यादा अच्छा होगा जब साहित्य में भी लिखा हो और उसका प्रमाण भी मिल जाए हमें। इसलिए आप बताइए, साहित्य ज़्यादा प्रमाणिक है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू प्राप्त किए गए अवशेष? अवशेष ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि अवशेष के हो सकता है कि आप उसकी, दरअसल एक टर्म है, ईएच कार एक हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने कहा इतिहास इतिहासकार और साक्ष्य के बीच का अनवरत संवाद है। मतलब मान के चलिए मुझे अमुक ये चीज मिली, इस चीज को मैं तो कहता हूं इसे तो हनुमान जी यूज करते थे, एक कहता है नहीं ये तो सिर्फ उस समय पर व्यक्ति को ठोकने के लिए एक हथियार था। अब कौन क्या कहता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं हिस्टोरियन, ये साक्ष्य है हमारे दोनों के बीच में, हमने जो संवाद किया और हमने जो लिख दिया जिसको पढ़ के, ये अवशेष तो अपनी जगह रह गया। हो सकता है ये कुछ और हो, मैंने जो समझा कुछ और लिख दिया अपनी आंखों से, हो सकता है मैं एजम्पशन में हूँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा हूं, मैंने जो चीज देखी उसी को देखकर कह रहा हूं। ऐसे कई साक्ष्य इतिहास में मिलेंगे, तो इसीलिए ईएच कार करते हैं, इलियट हॉलैंड कार नाम है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि इतिहास इतिहासकार और साक्ष्य के बीच का अनवरत संवाद है, मतलब रेगुलर चलने वाली प्रोसेस का हिस्सा है, और इतिहास वर्तमान से प्रभावित होता है, ऐसा कहते हैं आरजी कलिंगवुड। हां स्वाभाविक है, आज का अगर हिस्टोरियन 2000 साल पहले की बात को देख रहा होगा तो अपने हिसाब से उसको स्टडी कर रहा होगा ना, 2000 साल पहले की सिचुएशन, वो किस चीज की, कौन सा टूल किस काम आता होगा, तो आज की नजरों से उसी चीज को यूज करने से देखेंगे तो कितना प्रासंगिक रहेगा वो चीज। प्रासंगिक का मतलब है रिलेवेंट, मूल्यवान कितना है। जब मैं प्रासंगिक शब्द बोलूं इसका मतलब बोला जाएगा कि वो अमुक चीज कितनी मूल्यवान है, तब क्या यूज था और आप क्या है, दोनों चीजों में भिन्न अंतर हो सकता है, पर हिस्टोरियन ने क्योंकि जो कह दिया स्टडी के बेस पर, साक्ष्य के बेस पर, जनरली हम उसे कोट कर लेते, मान लेते, यही तो चलता है। फिर आइएगा, तो हमने क्या कहा कि इतिहास साक्ष्य और इतिहासकार के बीच का है जो आज की आंखों से देखा जा रहा है, पॉइंट बेटा। इसीलिए बीजेपी वाले, अन्य लोग वाले कांग्रेस पर क्या आरोप लगाते हैं कि आपने इतिहास को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से लिखा है, अब हम अपना हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि बीजेपी नेशनलिज्म हिस्टोरियन है। इससे पहले मार्क्सिस्ट और कांग्रेसी, जो मार्क्सिस्ट हुआ करते थे और जो प्राच्यवादी ओरिएंटलिज्म हुआ करते थे, उनका इतिहास था। इसीलिए कहते हैं भैया तुमने हमारे इतिहास को दबाया है,
अब हम खोलेंगे अच्छे अच्छे अपने नायकों का इतिहास, जो भी है। इतिहास परिवर्तनीयता क्या वर्तमान की मांग है? क्या साक्ष्यों के आधार पर इसको प्रूव करना उचित रहेगा? तर्क दीजिए, आपसे कह रहे हैं लिखो। अरे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं लिखो का मतलब समझो कि आप इससे प्रश्न को लिखो। तो इस मेरी बात समझे क्या? अब ऐसा पॉइंट कहां लिखा है? इस तरह के प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है बेटा, जिसने सारा इतिहास पढ़ा है, पूरे इतिहास को जनरलाइज किया है और आज के समय को जाना है, तब सरकारों के बीच में उठे हुए द्वंद्व पर कि इतिहास में परिवर्तनता कहां तक उचित है स्पष्टीकरण दीजिए या लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा देगा या कहेगा टिप्पणी करिए, क्योंकि आप ईपीएससी के स्प्रिंट्स हैं, आपसे पूछा जाएगा कितनी जरूरत है, प्रासंगिक है, तो आप क्या तर्क दीजिएगा? और तर्क तो अब आपके दिमाग से जनरेट होंगे, किताब में तो लिखे नहीं है कहीं। इसीलिए कहते हैं कि डेटा के आधार पर सेल्फ जनरेशन जो कर सकता है, डेटा को डुप्लीकेशन कर सकता है, द्विगुणन कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, तो माना जाएगा डेटा जनरलाइज हुआ, पच गया है, अन्यथा डेटा रटा है। सबसे बड़ी बात आज की पीएससी के स्टूडेंट्स की यही है कि जो डेटा दिया गया उसी को याद करने में उसे मुश्किल होती है, बोला आधा दूर होता सर मैं भूल गया। ऐसा नहीं करिए, जितना पढ़ा जाए कम से कम उतनी समझ में आइए। तो इतिहास को कैसे जानते हैं बेटा? पुरातत्व साहित्य के बेस पर, ठीक है। अब सवाल हमारा यहाँ है, वो लिखिएगा कि पुरातत्व की पहचान, लिखिए पुरातत्व का भारतीय इतिहास में विकास। तो सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहते हैं कि पुरातत्व का भारतीय इतिहास में विकास कैसे हुआ, पुरातत्व का भारतीय इतिहास में विकास। अच्छा, इसकी प्रासंगिकता आपके लिए संज्ञान यह रहे कि यह प्लिंथ तक है, ठीक है। मेंस में अगर कोई पुरातत्व बदले गए, जैसे हो सकता है आर्कियोलॉजी सर्किल पर, मेरी आशंका यह है कि आगामी समय में जो सवाल बनेगा वो सवाल क्या बनेगा बेटा, जैसे आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे को प्रूफ माना जा रहा है, तो कोर्ट भी इस चीज को कोर्ट कर रहा है, एएसआई के थ्रू जो प्रमाण दिए जा रहे हैं उसको बेस बना रहा है, जैसे श्री राम मंदिर में बनाया, आगे ज्ञानवापी में बना सकता है, मथुरा में बना सकता है, या किसी अन्य जगह पर कोई अवशेष पाएगा उसको बेस बना सकता है। तो सवाल मेरा इसलिए आपसे ये है कि भारतीय पुरातत्व का इतिहास क्या कहता है कि वर्तमान में उसकी वही प्रासंगिकता है जो अतीत में रही थी, या पुरातत्व के आधार पर कितनी सत्यता की प्रमाणित करके अमुक चीज़ों को स्थापित किया जा सकता है, क्या सामाजिक पैटर्न के धार्मिक बदलाव करने से समाज में कोई कह सकते हैं कि द्वंद्व पैदा तो नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व पैदा तो हो रहा है। तो ऐसा समीक्षा करना आप जैसे बुद्धिजीवियों का काम है, इसीलिए आपसे ऐसे सवाल निबंध लेखन में जा सकते हैं, इतिहास में नहीं पूछे, पॉइंट समझे ना। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पुरातत्व का विकास पढ़ रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में। तो पहले देखिए, अब हमारे साथ लिखते रहिएगा बेटा, राइट। पुरातत्व का विकास हेडिंग है हमारी, पुरातत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। पुरातत्व के विकास में देखिए, 1860 में एक हमारे यहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना, पुरातत्व विभाग, और इसके जो सीईओ रहे एट दैट टाइम, मेरा मतलब है जिनके अधीन बना जो अध्यक्ष थे, वो थे बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, एवी अलेक्जेंडर इनको कहा जाता है। अच्छा, दरअसल इस समय जो काल है वो किसका है बेटा, यहां जो वायसराय है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। एक पॉइंट बेटा, लॉर्ड कैनिंग के समय पर भारत में पहली बार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, ठीक है बेटा। इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के काल में ट में इसको लीगल मान्यता मिली, बना तो दिया गया। अब द्वंद्व में थे कहने के आगे इसे बढ़ाएं या न बढ़ाएं,
क्या करें, मुश्किल ये है। ड्राफ्ट के आधार पर उन्होंने डिपार्टमेंट तो बनवा लिया कि यहां से हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर भारतीयों के इतिहास को हम जानेंगे, ताकि इनकी मॉडर्न कल्चर को जान, इनकी तत्कालीन कल्चर को जानकर, इनके नेचर को जानकर, इनके स्वभाव को जानकर, इनके सामाजिक पैटर्न को जानकर हम इन पर अधिकार कर पाएं। उनका मतलब ये नहीं था हम आपके इतिहास को जानकर आपकी बढ़ाई करेंगे। जितने भी उपनिवेशवाद, ये सब कौन कंपनी है ना, ये कंपनी आपके इतिहास को इसलिए जानना चाहती है कि आपका माइंड क्या है। मतलब आजकल पता है ना, जब कोई वस्तु बेची जाती है मार्केट में तो लोगों के माइंड को पढ़ा जाता है। जब से बीजेपी आई है तब से लोगों में नेशनलिज्म बढ़ गया है, इसीलिए बाबा रामदेव को लगता है आप देशीकरण अच्छा रहेगा, इसीलिए बाबा रामदेव का 10 साल में वो नेटवर्थ बढ़ा जो दुनिया में किसी त्वरित तत्कालीन व्यापारी का नहीं बढ़ा। मेरा मतलब समझे क्या? माइंड को पकड़िएगा। व्यापार माइंड को पकड़ने से होता, लोगों की आवश्यकता क्या है, लोगों को बदला कैसे जा सकता है कि हमारी चीज ले। जितने भी ब्यूटी क्रीम वाले कहते हैं हमारी ब्यूटी क्रीम लगाइए आप सुंदर हो जाइएगा, क्योंकि सुंदर सब चाहते हैं, लोग समझ गया है कंपनी वाले, अब चाहे फर्जी लगा दे उसमें। इसका मतलब क्या है? पहले माइंड पकड़ा उसने। अब यूरोपीय क्या करते हैं, ये आपके इतिहास को जानकर, आपके सोशियोलॉजी पैटर्न, आपके नेचर को समझने के बाद में उसी हिसाब की व्यवस्थाएं लाना शुरू कर देंगे। इसके बाद में ईसाई मिशनरी लाएंगे, वो और सॉफ्ट नीति पॉलिसी अपनाएंगे। जो लोग गरीब मजदूर वगैरह या फिर हमारे जाति का समीकरण से टूटे फूटे लोग हैं ना, उनको वो ईसाइयत बनाना शुरू कर देंगे। धर्मांतरण, सवाल फिर अभी का, वर्तमान का। धर्मांतरण के इतिहास की परपाठी को जानते हुए वर्तमान में धर्मांतरण की प्रसंगिकता पर बने कानून की जांच कीजिए, निबंध है लिखो। ये कह रहे हैं तो आजकल धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कुछ जगह स्टेट में तो बन गया है कानून, अब इसके लिए लीगलाइजेशन सेंट्रलाइज करने की कोशिश। अब आप बताइएगा, यूसीसी है, धर्मांतरण, ये छोटे मुद्दे नहीं है, ये आपकी समझ के लिए इतिहास लेखन के हिसाब से, मेरा मतलब निबंध लेखन में बहुत काम आने वाले, इसलिए हम कह रहे हैं धर्मांतरण आपके लिए एक विषय है। जैसे इससे पहले धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म बहुत अच्छा पॉइंट हुआ करता था, इंटॉलरेंस, सहिष्णुता वाली जो पोस्टी थी, जैसे अभी मोवलिंचिक कुछ समय पहले चली थी, उस समय पर सहिष्णुता पूछा गया। यूपीएससी समय को हिसाब से चीज़ों को परखने की कोशिश करता पकड़ता है, और आप मैगजीन में ढूंढ रहे होते हैं, अब वो समय को ढूंढ रहा होता है, इसलिए स्मार्ट बच्चे समय को परख लेता है, इसीलिए तो कहा जाता है जो समय को परख गया चल गया। जैसे मोदी जी टाइम को पकड़ते हैं, लोग चाहते क्या है। चलिए माफी चाहते हैं। अब बताइए, इसको पुरातत्व को लीगल वैधता कब मिली बेटा? इस जगह पर ड्राफ्ट कब बना था? 60 में, अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व, किस काल में? कैनिंग, लग 1866 में जाके बाद इस पर वैन लग गया, बोले हम भारतीय इतिहास को क्यों पढ़े। वायसराय ने आगे बदल दिया, बोले क्यों पढ़े हम इसके इतिहास को, हम जिन पर व्यापार करने आए हैं, जिन पर हम कब्जा करने, इतिहास को क्यों पढ़ेंगे। ऑर्थोडॉक्स नेचर यहां पर स्टेबल हो गया, लेकिन बाद में पुनः फिर अलेक्जेंडर के प्रयास से, एक और लिखिए ऐसे, 1871 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल एक सर्वे बना, एएसआई, आजकल जो कलकत्ता में है ना बेटा, लिखो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बेटा बोलो, यहां बैन हुआ है बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इस पर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई। बाद में अलेक्जेंडर के प्रयास, पुनः प्रयास से 1871 में एक सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये यहां बेटा दरअसल एक ड्राफ्ट बना था, इनके अधीन एक विभाग भी बन गया, प्रमाणिकता नहीं मिली, यहां लीगलाइजेशन हुआ है। लीगलाइजेशन मेरा मतलब है प्रमाणीकरण हुआ है, ऑथेंटिक हुआ है। 66 में रेस्ट्रिक्शन आए, 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, एक तरह की संस्था है ये विभाग, क्या पुरात विभाग, विभाग तो एक ही रहेगा बेटा, पुरातत्व सर्वेक्षण की एक संस्था है। क्या बनाएगी? एएसआई। एएसआई कहां है बेटा? कलकत्ता। अच्छा बेटा, विभाग बनाएगी एक, तो एएसआई बनाएगी बेटा। अच्छा, इसके बाद में इस पर कुछ समय चलती है, ये शिथिलन अवस्था में चलता रहा। लिटन आए, उन्होंने अपनी दशाओं से बदलते गए, स्थिति बदली। लॉर्ड रिपन इस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। बाद में लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में पुनः ड्राफ्ट बनाया गया,
और 1904 में कानूनी ले आए, जितने भी विरासतें हैं, विरासतों से मेरा मतलब यह है जैसे किले हुए या अब तक जितने भी ब्रिटिशर्स ने, जैसे किसी ने चर्च बना दिए, कहीं अपने हॉल बना दिए, एडविन लुटियन ने आके दिल्ली उल्ली बना दिया, आपकी संसद पार्लियामेंट बना ली, किसी ने कलकत्ता बसा दिया, जब चरनाका की बसा गए, कोई मद्रास बसा गया, तो जो जहां बस गया है तो अब उसको कोई हानि ना हो इसीलिए उसको अमुक जगह उसको तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक कह सकते हैं कि यहां कानून बना और कानून बहुत स्ट्रांग बना जो आज तक रनिंग में है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद है नहीं बेटा। तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या आया बेटा, भारतीय पुरातत्व विभाग अधिनियम, लिख लीजिए भारतीय प्राचीन स्मारक, ऐसे लिखो बेटा भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1948 इसी को भारतीय स्वतंत्रता के बाद में 1948 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, कुछ बदलाव करने के बाद सीधा लिख दूं, राष्ट्रीयकरण हुआ हां 1948 में, 1948 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है अच्छा 1960 में इसका पुनर्नवीकरण हुआ, पुनर्नवीकरण का मतलब समझ रहे हैं, रिनोवेटिव हुआ है ना, ये रिन्यू कर दिया गया 1960 में, 1960 में, और 1960 तक जो इतिहास बता दिया गया वो इतिहास आज तक रनिंग में है। जिस जिसका सर्वे हो जाता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बाकी इसमें जो पहले तक हो गया वो हो गया। अब देखिए मैं दो लोगों का जिक्र करता हूं, पुरातत्व पर एक मार्टिमर व्हीलर आए थे बेटा, हिस्टोरियन व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के क्रम में जब ये खुदाई करा रहे थे तो इन्होंने दो तरह की खुदाई कराई, एक तो लंबवत, लंबवत का मतलब है जो ऊंचे टीले थे, टीले का मतलब है जहां कभी किले बने थे वो ध्वस्त हो गए, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो गई, ऊंचे हो गए, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की दशाएं थी या अन्य जगह पर, तो लंबवत मेरा समझ रहे हैं बेटा, जो थोड़े ऊंचे उठे हुए भाग थे जिस जगह पर कोई सभ्यता थी, कई बार हो सकता है कई परतें हों, एक बार सभ्यता आई फिर दोबारा दब गई फिर टूट गई फिर उसी पर किला बना दिया फिर ऊंचा बन गया हो, इस तरह समझ पा रहे हैं ना। तो लंबवत खुदाई हुई और एक खुदाई कराई क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज का मतलब है समर सरफेस की, इस जगह कहा गया कि अमुक जगह पर यहाँ पर एक राज्य राजा हुआ करते थे, अमुक अमुक कल्चर थी, यहाँ ऐसी विरासत थी, तो अमुक जो जगह स्पॉटेड की गई उस अमुक जगह पर उन्होंने खुदाई कराना शुरू कर दिया है ना बेटा। तो दो तरह की खुदाई कराई, एक तो कैसी कराई बेटा लंबवत और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज खुदाई कराई। इसको तो इन्होंने कहा कि इस किसी भी संस्कृति का स्थायित्व है, मतलब यहां पर कोई एक संस्कृति स्थायी रूप से रही, लेकिन ये क्या है, ये संस्कृति परिवर्तन रहा है, हो सकता है कई संस्कृतियां कई बार यहां पर विकास हुआ हो, जैसे एक लेयर बन गई हो, दो बन गई हो, तीन बन गई हो, चार बन गई हो, इसलिए कहते हैं ना कि प्राक हड़प्पा, मेन हड़प्पा, उत्तरोत्तर हड़प्पा, तो हड़प्पा में तीन लेयर बनी, मतलब हड़प्पा स्थलों पर सामान्यतः ऐसा बना है, तो इसीलिए कहते हैं कि कौन से स्थल प्राक हड़प्पा ही है, मतलब वे हड़प्पा स्थल जो उनमें मुख्य हड़प्पा की बजाय या उत्तरोत्तर हड़प्पा की बजाय प्राक हड़प्पा स्थल मिलते हैं, मतलब अमुक जगह में के अवशेष मिलते हैं, प्राक का मतलब है हड़प्पा से पहले के, प्री हिस्ट्री, प्री हड़प्पन। तो ये क्या है बेटा, संस्कृति परिवर्तन को दर्शाता है, कौन परिवर्तन वाला, ये प्रिलिम्स का सवाल है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार लंबवत खुदाई को
किस बेस पर आकलित किया जाता है? विकल्प एक, आर्टिकल नंबर एक में लिखा संस्कृति का स्थित, दूसरा लिखा काल संस्कृति मापन, हाँ काल संस्कृति मापन उसमें विकल्प दिया गया था, ठीक है। तो संस्कृति परिवर्तन क्या बोल सकते हैं इसको, काल संस्कृति मापन भी कहते हैं कि अमुक जगह पर कौन कौन सी संस्कृति रही। तो लंबवत खुदाई में संस्कृति परिवर्तन या काल संस्कृति मापन को दर्शाता है, जबकि क्षितिज खुदाई में स्थायित्व संस्कृति के अवशेष पाते हैं। अच्छा बेटा, थोड़ा बहुत और देखना चाहें तो 1920 से आप देखिए, 1920 से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पहली बार पब्लिसाइड करेंगे दयाराम सानी के नेतृत्व में। हालांकि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो चीफ थे वो कौन थे, जॉन मार्शल, है ना। जब मोहनजोदड़ो खोदा गया, हड़प्पा की खुदाई की गई, तो उस समय पर भले दयाराम सानी के, राजाराम मोहन राय के क्रम में रहा है, ये लोग खुदाई करता थे, है ना बेटा। जैसे दयाराम सानी थे, जैसे कहते हड़प्पा की खोज किसने, खोड़ का तात्पर्य, उन्होंने खुदाई कराई, अवशेष पाए और उनको पब्लिसाइड कर दिया, प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही मोहनजोदड़ो का हुआ, है ना बेटा, 1922। तो लगभग 27 तक के काल में जॉन मार्शल रहे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई रही है वो किस काल में रही है बेटा, 1920 में, ठीक है बेटा। तो है किसकी सदी में बेटा, 20वीं सदी में, ठीक है। 1920 और 22 के क्रम में इस समय पर एएसआई के चीफ कौन थे बेटा, जॉन मार्शल। हालांकि अमुक समय पर जो खुदाई करने वाले अन्वेषक करता थे वो अलग अलग बदलते रहते थे बेटा, अमुक क्षेत्र में अमुक व्यक्ति जाता है। जैसे दयाराम सानी को भेजा कि कई सारे प्रोफेसर थे ये अमुक जगह के एएसआई सेंटर के, तो इनको वहां भेजा गया। अमुक व्यक्ति को अमुक जगह भेजा गया, तीसरे को वहां भेजा गया, अमुक को वहां भेजा गया, मेरा मतलब समझ पाए। तो विकास के फेज में हम ये मिलते हैं, ये सवाल आपके लिए प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब आया, है नहीं बेटा, हालांकि ये आपके 18वीं सदी का ही पार्ट है। तो पुरातत्व का विकास, इससे पहले किसी ने पुरातत्व तो खोदा नहीं। अब सवाल ये, इतना सीधा सवाल समझो कि अंग्रेजों ने पुरातत्व की खुदाई हमारे यहाँ क्यों करवाई, तो इस क्यों का जवाब आप लोग क्या देंगे बेटा, अपने आप ऐसी सेल्फ माइंड रिमाइंड करिए, लिखो नहीं या जैसे चाहो अपना कर लो। क्यों करवाई थी बेटा, क्योंकि भारतीय संस्कृति को जानना, मानवीय लोगों के सामाजिक, भारतीय लोगों के सामाजिक पैटर्न को समझना तथा उनकी दिमागी अप्रोच को जानकर उन पर औपनिवेशिकवादी सत्ता स्थापित करने के लिए। समझ आया, जैसे कई टिप्पणी के लिए बात आए तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन टिप्पणी क्या होती है, आपके दिमाग से रिजनरेट आइडियाज होते हैं, डेटा उसमें होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से आप ड्राफ्ट करते हैं, है ना बेटा, अपनी जरूरत के हिसाब से, प्रश्न की जरूरत के हिसाब से। तो बताइएगा आप क्या समझे, अंग्रेजों ने खुदाई क्यों करवाई, आपको जानने के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए, आप कितने अच्छे हैं, नहीं, आपके इतिहास को जानकर, आपके बैकग्राउंड को जानकर, आपकी जड़ों को जानकर आप पर कब्जा करना, मतलब आपके माइंडसेट को जानना था। और माइंडसेट को जानकर क्या करते थे, वो माइंडसेट को जान गए कि भारतीय लोग सॉफ्ट हैं, इनकी कल्चर सॉफ्ट रही है, सबको समावेश कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने ईसाई मिशनरी भेजना शुरू कर दिया। हालांकि वैधता तो वो पहले ही दिला चुके थे, उनके दिमाग में पहले ही आया, जैसे सुना था ना कि 1813 में अंग्रेजों ने एक चार्टर बनाया, तो चार्टर में लिखा कि ईसाई भारत में बस सकते हैं, ईसाई मिशनरियां भारत में जा सकती हैं। इनका मतलब क्या था कि भारत में जाओ, लोगों को पहले ईसाई में कन्वर्ट करो, और जो लोग नहीं बदले तो उनसे, उनके दिमाग में ये डालो कि अंग्रेज बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, भला करना चाहते हैं, टैक्स वालों को लूटना चाहते हैं, बाकी आप लोगों को नहीं, इसीलिए वो लोग फ्री में शिक्षा देते थे, ईसाई मिशनरी फ्री में दवा देती थी। अब जो व्यक्ति पीड़ित हो उसे फ्री में दवा दे, फ्री में शिक्षा दे, फ्री में मकान दे, तो वो तो अच्छा हो ही जाएगा ना, शिक्षा थे, जब अच्छा हो गए तो इसीलिए ईसाई स्तर पर, ईसाइयों के आने से, ईसाई मिशनरी के आने से भारत में ईसाइयत का होना शुरू हो गया। हालांकि ईसाइयत तब से शुरू हो गई जब से कंपनीज भारत में आना शुरू हो गई, ठीक है बेटा। तो सवाल हमारा दो हुए,
एक सवाल अगर मेरा सिर्फ आपसे ये कहूँ बेटा कि एक आप ड्राफ्ट लिखिए भारतीय पुरातत्व के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो आप लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो। हाँ, करंट में जितनी खुदाई हुई है उन खुदाई का आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल बेस की एक रिपोर्ट जरूर रहनी चाहिए। जब आप मेंस देने जाएं, एक दो रिपोर्ट को कोट जरूर कर लीजिएगा जो तत्कालीन बनी हो उस समय में, जिस समय हो सकता है आप 24 में एग्जाम दो तो 24 में जो सर्वे आ रहा हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, उस समय डालेंगे तो बहुत कुछ सर्वे बदल चुका होगा, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा ये कि भारत में ईसाई मिशनरी का लाभ क्या रहा, या कह रहे हैं कि भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि धर्मांतरण की स्थिति क्या रही है। धर्मांतरण बहुत पुराना है, जैसे वैदिक इंडिया में ही देखिएगा, वैदिक जब कह सकते हैं रूढ़वादी हो गए, ब्राह्मणवाद ज्यादा अतिवाद हो गया, तो बौद्धिज्म और जैनिज्म हुआ। एक अच्छा धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब सामान्यतः समझ लीजिए पर्टिकुलर एक विशेष विचारधारा है जो दया प्रेम सहानुभूति से गुजरती है, जबकि जितने बीच में लोग आए हैं वो धर्म को बेस बना करके सब लोग पंथ हैं। ये सब क्या है बेटा, हम पंथ ही तो है, पंथ का मतलब है एक पर्टिकुलर विचारधारा है ना, मतलब उनकी लाइफ ऑफ स्टाइल अलग है कि ऐसे पूजा करेंगे, मतलब है ना वर्शिप स्टाइल अलग है, पूजा की शैली अलग है, हिंदू कुछ और तरीके से करता है, मुस्लिम अलग तरीके से करता है, जैन अलग तरीके, ये तो पंथ ही तो हुए। इसीलिए पूरे हिंदू आइडियोलॉजी को सनातन क्रमिक विकास का परिणाम, इसीलिए इसको कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हिंदू नॉट ए रिलीजन, इट्स ओनली ए लाइफ स्टाइल ऑफ हिंदुत्व, ये हिंदुत्व की एक लाइफ स्टाइल है, ये धर्म नहीं है, वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हिंदू धर्म में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, मतलब चार पांच पंथ उसमें आते हैं, लिंगायत आते हैं, सैब आते हैं, चेट्टियार आते हैं, ये बहुत से जो ग्रुप है। तो ये सब क्या है, हिंदुत्व, हिंदू तो हिंदू क्या है बेटा, लाइफ ऑफ स्टाइल। अब सवाल फिर आपसे यही कि हिंदुत्व आजकल एक चल रहा है ना, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद क्या समसामयिक है, समप्रासंगिक है, अगर हैं तो तर्क दीजिए, नहीं है तो भी तर्क दीजिए, अब बताओ। आजकल एक मांग चल रही है ना थोड़ी सी साइड से बाबाओं के थ्रू, कौन सी चल रही है बताओ, हिंदू राष्ट्रवाद। अच्छा, हिंदू राष्ट्रवाद को क्या टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, सनातन, और सनातन का मतलब है क्रमिक विकास का परिणाम। अब बताओ तो हिंदू धर्म को किसने बन स्थापित किया, किसी ने नहीं, क्योंकि इसमें तो कई सारे गॉड हुए क्रमिक हिसाब से देखा जाए तो, और समय समय के हिसाब से बदला गया है। इसीलिए एक प्रथा चली थी अवतारवाद, गुप्तान पीरियड से समझ में आया, इससे पहले तो कहीं लिखा ही नहीं था। जो भी हो, अब आप सोचो और लिखो, तो मतलब ऐसे प्रश्नों का जवाब वे बच्चे दे सकते हैं जिनको इतिहास समझ आता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको नहीं आता, जिसने इतिहास पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा, बोले कैसे दो दिन बाद बली बात कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास की जो समझ रखता है, समय को जिसने समझा है वो तो आंसर इसका करेगा, जो इतिहास पढ़ा है वो इससे ज्यादा, इस आंसर से ज्यादा जानता है, मतलब वो आंसर से ऊपर निकल जाएगा, सीधा समझो कि यूपीएससी उसे रीड नहीं करेगा, कंसर्न नहीं करेगा और मार्किंग नहीं देगा। आप प्रूफ करिएगा कि कहां धर्मांतरण हुआ, किस किस जगह पर हुआ, कब कब हुआ, कौन कौन से एक्ट के जरिए हुआ इतिहास के क्रम में, और वर्तमान में धर्मांतरण पर कहां कहां कानून बने, अब इसकी प्रासंगिकता कितनी जरूरी है या नहीं बता दीजिए, और अगर धर्मांतरण होना है तो किन किन दशाओं में होना है। आजकल तो शादी ब्याह को लेकर की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, ये बहुत इतना नहीं है, आपके सोचने के लिए लेख है मेरी बात। आजकल हमने कितने निबंध दे दिए, चार पांच मिल गए ना आपको, सब पे सोचिएगा। हाँ, एक तो हमने राष्ट्रवाद दिया, एक हिंदुत्व दिया, और एक दूसरा अभी क्या दिया, धर्मांतरण वाला दिया, इससे पहले क्या क्या देगा वो देख लेना अपना। हाँ, तो इन पे बेटा सब लिखिएगा, घर पे जाके आप कुछ भी लिखो, उल्टा या सीधा लिखो, बाद में बताएंगे ड्राफ्ट कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर मतलब मेंस के आंसर को, लेकिन पहले ये समझो स्थिति क्या है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि पुरातत्व क्या है, हमने एक सामान्य ड्राफ्ट में समझा। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि पुरातत्व को क्यों जानना चाहते थे,
कि वो अपने उपनिवेशवाद को स्थायित्व तो देना चाहते थे, सीधे शब्दों में यह है, सीधी बात ना बेटा, मतलब स्थायित्व तभी मिलेगा जब नेटवर्क बढ़ेगा, लोग खरीदने वाले ज्यादा होंगे। अच्छा वो मार्क, अच्छा उपनिवेशवाद का सीधा मतलब क्या था? कच्चे माल यहाँ से ले जाना, तैयार माल बेच देना, मतलब बाजार प्राप्त करना था, कच्चा माल लेना था। अब बताओ आदेश ज्यादा लोग लेंगे नहीं, बोले नहीं हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, हाय हाय। तो इनको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा था? ईसाई मिशनरी, वो सॉफ्ट बना रहे थे अंग्रेजों के प्रति, भारतीयों को इनके वेस्टर्न के प्रति सॉफ्ट नेचर ला रहे थे, इसलिए उनकी नेटवर्क बढ़ रहा था, जिसकी जितनी बड़ी मार्केट उतना ही स्थायित्व पाएगा। ऐसे लोग चालाक लोग काम करते हैं, जब अपने को हारने की स्थिति हो तो संधि कर लो, जब ठोकने की स्थिति हो तोड़ दो, कब्जा कर लो, यही तो रहा है ना। इसीलिए वो पकड़ गए, इसीलिए अंग्रेजों को दुनिया की चतुर प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि 121 राष्ट्रों पर ऐसे ही थोड़ी कब्जा हो जाएगा छोटे लोगों के द्वारा, छोटे से मेरा तात्पर्य कम लोगों के द्वारा। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल, प्राचीन भारत के फरफेज में हम लोग कहां से पढ़ते हैं बेटा? एक टर्मोलॉजी चलती है, एक तो पुरातत्व समझा, दूसरा है साहित्य, अर्थात सवाल फिर ये कि इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने की स्रोत क्या है? सवाल तो यही हुआ ना बेटा, तो लिखो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत को इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। अच्छा अब जो स्रोत टर्मोलॉजी लिखी है उसमें अपने आप में एक स्रोत तो पुरातत्व हुआ, तो हमने एक ये टर्मोलॉजी तो लिखी, पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, अब इस पुरातत्व में आता क्या क्या है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तो पुरातत्व में विकास तो आपने पढ़ा कि कैसे क्रमिक चल रहा था, आपके आंसर राइटिंग करने के लिए 5 पॉइंट काफी है, वो बीच बीच में जैसे हिस्ट्री के कुछ पॉइंट मिलेंगे आप उनमें एडजस्ट करते चले जाइएगा समय के हिसाब से। तो स्रोत में पहला क्या है बेटा? पुरातात्विक स्रोत, तो हेडिंग बना लीजिए बेटा पुरातात्विक स्रोत, पहले फिर पुरातात्विक स्रोत में एक अच्छे खासे जानकारी देते हैं शिलालेख और स्तंभ लेख देते हैं ना बेटा, तो शिलालेख स्तंभ लेख, फिर आपकी अन्य स्थापत्य शैली। तो अन्य स्थापत्य में क्या है बेटा? जैसे गुफा चित्र से हमें कुछ जानकारी मिलती है, भित्ति चित्र से हमें जानकारी मिलती है, हालांकि भित्ति चित्र गुफा चित्र लगभग सेम है, कुछ दशाओं पर गुफा में ही भित्ति चित्र बने, पॉइंट समझे ना बेटा। तो स्थापत्य शैली में यहां से मंदिर भी है इसमें, तो यहां से तो मूर्ति स्थापत्य भी है, स्तूप भी है, चैत्य भी है, विहार भी है, जो भी। तो फिर देखिए शिलालेख स्तंभ लेख, स्थापत्य शैली में गुफा चित्र, भित्ति चित्र, मंदिर, मूर्ति, स्तूप, चैत्य, विहार, ये स्थापत्य में आ जाते हैं ना बेटा, ये मतलब गुफाएं अमुक समय की जानकारी देती है, पॉइंट ना बेटा। अच्छा इसके अलावा पुरातत्व में हमें मिलते हैं क्या अपना? मुद्रा, करेंसी है नहीं, सिक्के, तो सिक्कों का इतिहास अपने आप में है, 2019 के मेंस में पूछा गया सिक्कों के इतिहास पर, भारतीय इतिहास की गणना विवेचन करिए, मतलब सिक्कों से क्या इतिहास लिखा गया, तो दीजिए प्रमाण दीजिए, है नहीं। जैसे समुद्रगुप्त का इतिहास मिलता है, गुप्तान पीरियड का मिलता है, स्कंदगुप्त का मिलता है, कनिष्का के भी कुछ जगह मिले हैं, यहूदी मेरा माफी चाहते हैं जिनके पल्लव आए उनके हमें मिलते हैं, कुषाणों के बहुत ज्यादा ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, मेरा मतलब है कि अमुक समय का इतिहास प्रभावित किया है इन्होंने, है नहीं बेटा। इसके अलावा अन्य कई सारे स्थान,
या क्षेत्र जो खुदाई से, या कुछ बहुत सारी दैनिक वस्तुएं कह सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं कई सारी बर्तन वगैरह हो सकते हैं, जैसे एक टर्म आते हैं मृदभांड, सुना है, है ना। और ये अच्छा इतिहास है मृदभांडों वाला। मृदभांड का मतलब क्या है बेटा? मिट्टी के बने बर्तन, सीधा सीधा समझ लो। मृदभांड ये अमुक समय की जानकारी देंगे, तभी तो कहा जाता है, बताइए लाल काले मृदभांड कब के हैं, लाल वाले कब के हैं, चित्रित धूसर मृदभांड कब के हैं, एक क्रमिक पूछा जाता है ना कभी कभी, हाँ, तो वगैरह वगैरह इत्यादि रहेगा।